और गाइस आज हम बनाएंगे इग्नोटोसॉरस। इसे हम प्लास्टिक बोतल, वेस्ट प्लास्टिक बोतल और छोटे छोटे बोतल आता है उसमें हम बनाएंगे। इसके लिए मैं एक प्रिंटआउट भी लेकर रखा हूँ। आप देख सकते हैं कि इग्नोटोसॉरस का प्रिंटआउट है, इससे हम रेफरेंस रख के प्लास्टिक बोतल पे हम इग्नोटोसॉरस बनाएंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, यह रहा प्रिंटआउट। अब हम इस प्लास्टिक बोतल को खोल के देखते हैं। सब वेस्ट बॉटल्स है, जब देख सकते हैं ये पॉलिश, शू पॉलिश का बॉटल है। नेक्स्ट ये सैनिटाइजर का बॉटल, ये ऑल आउट का है, ऐसे ही सारे बॉटल्स है। इसे रख के हम इस इग्नोटोसॉरस को बनाने का कोशिश करते हैं। अब देख सकते हैं इस बॉटल का यूज़ करके हम इस नेक पार्ट को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पार्ट को हिप जैसा बना सकते हैं, अब देख सकते हैं इस पर। नेक्स्ट इसे ओपन करके इस पाइप को हम टेल जैसा बना सकते हैं या लेग जैसा ही बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसे हम यूज़ करके जैसे कि इस फेस पार्ट को बना सकते हैं। और रेट अब अरेंज करके देखते हैं कैसा आएगा करके। और एट फर्स्ट हम इस प्रिंट आउट को लेके इसके शेप के जैसा बॉटल है ना, उसे हम लेके कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे परफेक्ट से सेलेक्ट करेंगे बॉटल को इसके शेप के बराबर। उसके बाद हम इसे अलाइन करेंगे, इसके ऊपर टेप मार देंगे टेम्पररी से। इसे ही करके हम इस सारे शेप्स को हम बनाना ही है। आप देख सकते हैं कि शेप थोड़ा सा हेड जैसा है, इसलिए मैं इस कैप को ले रहा हूँ। और नेक्स्ट इसे हम खोल के जॉ जैसा बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस फ्लैट जैसा सरफेस को हम यूज़ करके जॉ बना लेंगे। ऑलरेडी ये परफेक्ट से फिट हो रहा है। और इसके साइड्स को हम ट्रिम कर लेंगे हेड जैसे शेप जैसा। और इस नोजल को यूज़ करके हम हेड के टॉप को बनाएंगे। अब देख सकते हैं कि इसे सब हार्ड ग्लू से मैंने जोड़ दिया है। हमने लगभग सभी पार्ट्स को बना लिया है। आप देख सकते हैं टेल के लिए भी मैं एक पार्ट यूज़ कर रहा हूँ। ऑलराइट, इसे अब हम हार्ड ग्लू से चिपका देंगे। ऑलरेडी हार्ड ग्लू अच्छे से सूखने के बाद इसके ऊपर मैं एक टेप का लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि हार्ड ग्लू प्लास्टिक के ऊपर नहीं लगेगा अच्छे से, इसलिए हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए मैं इसके ऊपर मैं टेप अप्लाई कर रहा हूँ। अब हम इसके लेग को बनाएंगे, इसलिए मैं एक वायर को ले रहा हूँ। इसे हीट करके हम इसके अंदर डाल देंगे। नेक्स्ट मैं एक प्लास्टिक का पीस को यूज़ करूँगा, जैसे कि बेस के जैसा मैं इसे यूज़ करूँगा। आप कौन सा भी प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सरफेस आपके डिज़ाइन के बराबर। नेक्स्ट हम इसे परफेक्ट पोज में खड़ाएंगे और इसे हाथ को भी बनाएंगे सिमिलर टेक्निक से। अब एक एल्यूमिनियम फॉइल लेके इसके लेग पे थोड़ा सा रैप कर दें, क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम मिलने के लिए इसे मैं कर रहा हूँ। वैसे ही अपोजिट लेग में भी कर देंगे। अब देख सकते हैं मेरे पास फोम क्ले का एक सेट है। ये 12 शेड कलर है, ये सिर्फ 50 रुपये में आपको सारा कलर्स मिल जाएगा। ये चीपेस्ट क्ले है। उससे पहले मैं इसके ऊपर पेपर एंड ग्लू का एक लेयर चढ़ाया हूँ, क्योंकि इसके प्लास्टिक के ऊपर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो इस क्ले को क्ले नहीं लगेगा, इसलिए मैं पेपर एंड ग्लू का एक लेयर चढ़ाया हूँ। उसके बाद हम स्कल्पटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अपकमिंग मूवी जुरासिक वर्ल्ड, द डोमिनियन मूवी में ये डायनासोर आ रहा है, गिगनोटोसॉरस आ रहा है। ये गिगनोटोसॉरस टीरक्स को ही मार के गिरा देता है, उतना ताकतवर है डायनासोर। हम देखेंगे डायनासोर को कितना पावरफुल बताएंगे करके मूवी में। अब हम इसे स्पाइक्स ऐड करके रियलिस्टिक बनाएंगे, जैसे कि वो मूवी में आ रहा है वैसे ही हम इसे रियलिस्टिक बनाएंगे, जैसे कि स्पाइक्स ऑफ ऐड करेंगे।
नेक्स्ट हम इसके तीत को बनाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा क्ले को राउंड बना के रख ले रहा हूँ। उसके बाद हम इसे सुपर ग्लू या नॉर्मल व्हाइट ग्लू से हम इसे लगा देंगे। ऑल राइट, हमारा स्कल्पचर रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर प्राइमर अप्लाई करके पेंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम अक्रेलिक पेंट का यूज करेंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर व्हाइट कलर पेंट अप्लाई कर रहा हूँ, जिसे प्राइमर अप्लाई कर रहा हूँ। इस प्राइमर को घर में ही बना सकते हैं इजी से। चाक पाउडर एंड अक्रेलिक पेंट मिक्स करें तो इसे हम प्राइमर से बना सकते हैं, या नहीं तो दुकान पे भी ले सकते हैं। प्राइमर इसलिए है क्योंकि पेंट अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई होगा, ग्रिप से इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसलिए मैं प्राइमर अप्लाई कर रहा हूँ। प्राइमर अच्छे से सूखने के बाद हम इसके ऊपर अक्रेलिक पेंट करेंगे, जैसे कि लेयर बाय लेयर करेंगे। फर्स्ट लेयर में ये पेंट कर रहा हूँ, उसके बाद इस ब्लैक कलर को मैं अप्लाई कर रहा हूँ टेक्सचर के लिए। ऑलरेडी हम मूवी का लोगो बनाएंगे, इसलिए मैं प्लास्टिक का बॉटल कट करके इसे मैं फ्लैट कर देता हूँ। उसके बाद इसे हम राउंड से कट कर लेंगे। इसे हम अक्रेलिक पेंट से पेंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि लाइट के सामने से रख के देखेंगे तो ऐसा एक हमने एक इफेक्ट मिलेगा। फुल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, ये वीडियो शॉर्ट से रहेगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी सब लोगो और लाइट्स को होल्ड करने के लिए मैं इस बॉटल का यूज़ करके इसका टॉप को मैं कट करके इसके ऊपर लगाया हूँ। अब देख सकते हैं नीचे मैं एक 9 वोल्ट का बैटरी ऐड कर रहा हूँ एलईडी लाइट को पावर देने के लिए। इस लाइट को ऐड करने से हमको एक सुपर्ब इफेक्ट मिलेगा। हमारा डायनासोर अब रेडी हो चुका है, एंजॉय द फाइनल आउट। इसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।